क्रिएटिव माइंड क्या होता है oh. आप कितना बड़ा जवाब चाहती हैं? जितना बड़ा आप देना चाहें इंग्लिश अंग्रेजी का शब्द माइंड कुछ खास नहीं कहता क्योंकि ये बस एक सामान्य शब्द है जो मन के विभिन्न आयामों के बारे में नहीं बताता मन कोई ऐसी एक चीज नहीं है जो यहां रखा हुआ है और कुछ कर रहा है okay. वास्तव में मन जैसी कोई चीज नहीं होती योगिक संस्कृति में मन नहीं होता एक भौतिक शरीर होता है और एक मानसिक शरीर होता है क्योंकि आप अभी जिसे मन कह रहे हैं वो यादाश्त और बुद्धि का मेल है आपके शरीर में आपकी कल्पना से भी ज्यादा यादाश्त है अगर मुझे आपकी बात करनी पड़े तो चलेगा निश्चित रूप से आपको याद नहीं होगा कि आपकी पर 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 दादी कैसी दिखती थी लेकिन उनकी नाक अभी आपके चेहरे पर बैठी हुई है yes. you don't remember... आपको कुछ भी याद नहीं है लेकिन आपका शरीर सौ प्रतिशत याद रखता है How? दस पीढ़िया पहले आपकी दादी कैसी दिखती थी आपके शरीर को अभी भी याद है लाखों साल पहले आपके पूर्वज कैसे थे आपके शरीर को अभी भी याद है, है ना ये भूला नहीं है और ये भूलेगा भी नहीं आपका मन इस तरह की यादाश्त के काबिल नहीं है आपके शरीर के पास अरबों खरबों गुना ज्यादा यादाश्त है आपके दिमाग की तुलना में दिमाग और बौद्धिक प्रक्रिया की तरफ ये रुझान ये एक यूरोपियन बीमारी है उन्होंने विचारों को बहुत ज्यादा अहमियत दी ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि वो एक दमन किए गए समाज में रहे धार्मिक रूप से दबाया गया समाज जहां अगर आपने किताबों में जो लिखा है उसके अलावा कुछ सोचा तो आपको मार डाला जाता वो लंबे अरसे तक इस तरह रहे इसलिए जब उन्हें सोचने की थोड़ी आजादी मिली और वो जिंदा रह पाए तो वो अपने विचारों को बहुत ज्यादा गरिमा देने लगे लेट्स अंडरस्टैंड आइए विचार के संदर्भ में समझते हैं आप सोच सकते हैं सिर्फ उसी जानकारी के आधार पर जो आपने पहले से जमा कर रखी है इसका मतलब है कि आप कभी भी कुछ नया नहीं सोच सकते आप इसे रिसाइकिल कर सकते हैं आप इसे फेंट सकते हैं आप इसमें उलट पलट और फेरबदल कर सकते हैं पर आप बिल्कुल नया कुछ नहीं सोच सकते कुछ नया बाहर निकालना विचार की प्रकृति में ही नहीं है यह सिर्फ अतीत को रिसाइकिल कर सकता है इसका मतलब है कि अगर आप खुद को अपनी विचार प्रक्रिया के हवाले कर देते हैं अगर आप इसे बहुत महत्व देते हैं तो आप ये पक्का कर रहे हैं कि आपके जीवन में कुछ नया कभी भी नहीं होगा तो विचार को इतना महत्व देने की जरूरत नहीं है इस संस्कृति में विचार को कभी इतना महत्व नहीं दिया गया वो बस आपका मनोवैज्ञानिक ड्रामा है हम इसे ज्यादा अहमियत नहीं देते क्योंकि ये आपका नाटक है आपका नाटक आपके लिए महत्वपूर्ण है किसी दूसरे का नाटक उनके लिए महत्वपूर्ण है हर कोई सोचता है कि ब्रह्मांड में उनका नाटक ही सबसे महत्वपूर्ण है यूनिवर्स ये हर किसी का अनुभव है क्योंकि खुद के मनोवैज्ञानिक नाटक के साथ उन्होंने गहरी पहचान बना रखी है इस मनोवैज्ञानिक नाटक को आपके जीवन की प्रकृति को तय नहीं करना चाहिए बिकॉज क्योंकि यह एक बहुत छोटी घटना है जीवन प्रक्रिया की तुलना में जीवन एक कहीं ज्यादा गहरी समझ है बुद्धि की तुलना में योग की पद्धति में मन को 16 हिस्सों में देखा जाता है उन 16 हिस्सों को और भी विभाजित किया जाता है और उन्हें चौरासी हजार हिस्सों तक ले जाया जाता है चौरासी हजार की बात करनी हो तो पहले से ही कुछ लोग हैं जो मना कर रहे हैं तो मैं इसे चार बना देता हूँ मैं अस्सी को निकाल रहा हूँ ठीक मैं आप पर रहम कर रहा हूं केवल चार फोर चार बुनियादी हिस्से इनमें से एक बुद्धि है आज की आधुनिक दुनिया में हम बेमतलब बुद्धि को बहुत ज्यादा महत्व दे रहे हैं और इसके लिए हम भारी कीमत चुकाएंगे आप ऐसी स्थिति में होंगे जहां आपको सब कुछ पता होगा लेकिन आपको जीवन के महत्व का कुछ मालूम नहीं होगा सच में आजकल आप देखेंगे कि बच्चों के साथ ये हो रहा है पहली बार आप इस पीढ़ी में 10-12 साल के बच्चों को देखिए वो बोर होते हुए दिखते हैं 10 10-11 साल की उम्र में आपको पता ही नहीं था कि बोरियत क्या होती है यह नामुमकिन था जिंदा होना और इधर उधर देखना ही रोमांचक होता था आप दस बारह साल के बच्चों को देखिए सभी बोर होते दिखाई देते हैं क्योंकि उन्होंने अपने फोन के स्क्रीन पर सारा ब्रह्मांड देख लिया है उन्हें सब पता है और खासकर पश्चिमी देशों में आप देखेंगे कि आठ दस की उम्र में बच्चे वाकई बोर हो चुके होते हैं स्कूल की बसों में वो सब इस तरह बैठे रहते हैं बोर्ड क्योंकि जब तक आप बारह के हुए आपका एक लव अफेयर हो चुका है आप जानते हैं ब्रेकअप क्या होता है आप जानते हैं कि उससे बाहर कैसे आना है आपने शराब चख ली है आपने ये देख लिया है शायद आप हर तरह की शारीरिक चीजों से गुजर चुके हैं और आप ब्रह्मांड को भी जानते हैं अब और क्या बचा पंद्रह का होने तक कई लोगों के लिए जिंदा रहने का वाकई कोई मकसद नहीं बचता आपको हैरान नहीं होना चाहिए अगर यही कल्चर चलता रहा मैं नहीं कह रहा हूं कि यह भविष्यवाणी है मैं बस देख रहा हूं कि यह शुरू हो चुका है अगले पचास या सौ सालों में अगर 25 से 50 प्रतिशत लोग आत्महत्या कर लें, तो आपको हैरान नहीं होना चाहिए बिकॉज क्योंकि जीवन थोड़ा उत्साह चाहता है अगर बिना अनुभव के आपको बहुत ज्यादा जानकारी हो जाती है तो वो उल्लास जा चुका होगा और आप में ज्ञान का एक झूठा भाव बहुत गहरा हो जाएगा बुद्धि का यही खतरा है क्योंकि बुद्धि हर चीज की चीर फाड़ करना चाहती है बुद्धि चाकू की तरह होती है जितनी पैनी उतनी अच्छी ये चीर फाड़ कुछ चीजों के साथ कारगर होती है जीवन के सारे पहलुओं के साथ नहीं अगर आप जानना चाहते हैं वो बेचारा मेंढक याद है आपको रिमेंबर वो बेचारा मेंढक जिसे आपने सूली पर टांग दिया था और काट डाला था और उस यातना से जो महान ज्ञान आपको मिला वो अविश्वसनीय है कितना ज्ञान उस मेंढक ने जो यातना सही उसके मुकाबले जो ज्ञान आपने हासिल किया वो वाकई अविश्वसनीय है वो सब आपको पता चल गया अब अचानक आपके मन में जिस मां को अभी तक अनदेखा कर रखा था आज उसी मां को आप जानना चाहते हैं कृपया एक पैना चाकू लीजिए चीर फाड़ शुरू कर दीजिए आप उनके जिगर गुर्दे दिल के बारे में सब कुछ जान जाएं, लेकिन आपके पास मां नहीं बची होगी बस इतना ही तो जीवन को तोड़ फोड़ कर नहीं जाना जा सकता भौतिक चीजों के टुकड़े करके आप उन्हें जान सकते हैं आप जीवन को टुकड़ों में विभाजित करके नहीं जान सकते लेकिन बुद्धि की प्रकृति ऐसी ही है पूरा आधुनिक विज्ञान इंसानी बुद्धि से विकसित हुआ है चूंकि इसने तकनीकी फायदे दिए हैं तो आप इसके खिलाफ तर्क नहीं कर सकते क्योंकि लोग बस you know? <laughs> yeah. अपने आईफोन का मजा ले रहे हैं उन्हें लगता है कि वो वैज्ञानिक हैं क्योंकि वो ये कर सकते हैं नो। no. टेक्नोलॉजी अच्छी बात है इसने हमें काफी आराम और सुविधाएं दी हैं लेकिन ये हमें जीवन नहीं दे सकती तो बुद्धि ऐसी ही है। बुद्धि की उपयोगिता इस पर निर्भर करेगी कि इसकी पहचान किससे बनी हुई है और कौन सी चीज बुद्धि को पकड़ती है और कितनी स्थिरता से तो मन का अगला आयाम पहले को बुद्धि कहते हैं दूसरे आयाम को अहंकार कहते हैं अहंकार का मतलब ईगो वगैरह नहीं होता बल्कि पहचान होता है जिस भी चीज से आपकी पहचान जुड़ी है आपकी बुद्धि सिर्फ उसी के इर्द गिर्द काम करती है अगर आप अपनी पहचान को किसी देश से जोड़ते हैं अगर आप कहते हैं मैं भारतीय हूं तो हर भारतीय चीज सुंदर दिखती है अगर आप सीमा के पार जाते हैं और कहते हैं कि आप कोई और हैं तो वो सब सुंदर दिखता है जिससे भी आप अपनी पहचान जोड़ते हैं उसी के साथ आपकी बुद्धि काम करती है तो अहंकार पहचान है आपके अहंकार का निर्माण कितने सचेतन तौर पर और कितनी स्थिरता से हुआ है यही तय करेगा कि आपकी बुद्धि कितनी असरदार है इसके सिर्फ पैने होने का ये मतलब नहीं है कि यह असरदार भी होगी क्योंकि पैनी बुद्धि या एक पैना चाकू दोनों ही आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं अगर आपके पास एक पैना चाकू है और आपके हाथ में स्थिरता नहीं है तो आप खुद को ही हर जगह काट डालेंगे बस यही हो रहा है इंसान की पीड़ा बस यही है आप नहीं जानते कि इस बुद्धि को अपने हाथों में कैसे पकड़ना है हर रोज आप खुद को काट रहे हैं सारी पीड़ा सेल्फ हेल्प के जरिए आई है क्योंकि आपका मन ही आपको हर समय यह पीड़ा दे रहा है चाहे जो हो जाए लोग दुखी रहते हैं हर समय लोग दुखी रहते हैं क्योंकि वो नहीं जानते कि इस बुद्धि को कैसे थामना है अगर आपके पास केंचुए का दिमाग होता तो आप काफी शांत होते yes. आप कई तरीकों से अपनी बुद्धि के पैनेपन को कम करने की कोशिश कर रहे हैं शराब से नशीली दवाओं से जरूरत से ज्यादा खाकर आप किसी तरह इसके पैनेपन को दूर करना चाहते हैं क्योंकि यह चुपती रहती है यह इसलिए नहीं चुपती क्योंकि इसकी प्रकृति ऐसी है यह चुपती इसलिए है क्योंकि आपको इसे थामना नहीं आता मन के अगले आयाम को मनस कहते हैं जो यादों का विशाल भंडार है ये यहां वहां नहीं है पूरे शरीर में यादें मौजूद हैं तो इसे मनोमय कोश कहते हैं यादों की विशाल गठरी ये यादें कई स्तरों पर हैं, लेकिन अभी हम उसकी बात नहीं करेंगे क्योंकि कुछ लोगों ने साफ साफ मना कर दिया है वो दिमाग नहीं चाहते माफ कीजिए वो दिमाग के बारे में कुछ नहीं जानना चाहते <laughs> मन के चौथे आयाम को चित्त कहते हैं चित्त का अर्थ है विशुद्ध बुद्धिमत्ता या इंटेलिजेंस ये यादों से दूषित नहीं है इसमें किसी तरह की जरा भी यादाश्त नहीं होती ये बस विशुद्ध बुद्धिमत्ता या इंटेलिजेंस है अगर आप इसे छू लेते हैं तब आपकी पहुंच उस तक हो जाती है जिसे आप सृष्टि का स्रोत कहते हैं क्योंकि हो सकता है कि आपके भीतर हर तरह की चीजें भरी हुई हों भगवान ये है भगवान प्रेम है भगवान करुणा है जो कुछ भी है <laughs> आप में से कोई यहां आइए इस मंच के कोने पर खड़े होकर जो चाहे वो प्रार्थना बोलिए और नीचे गिर जाइए मैं देखना चाहता हूं कि आपके ऊपर करुणा बरसती है या हड्डी चटक जाती है like right. ये सारी चीजें इसलिए बनाई गई क्योंकि जिस किसी चीज से कोई व्यक्ति वंचित होता है उस गुण को वो भगवान की अपनी धारणा से जोड़ देगा have... भगवान के बारे में आपकी धारणाएं सिर्फ इसलिए बनी हैं क्योंकि आप नहीं जानते कि ये सृष्टि कैसे बनी है क्योंकि आपके पास कोई जवाब नहीं है आपने कुछ कल्पना कर ली चूंकि आप इंसान हैं, आपने कहा एक बड़ा इंसान वहां ऊपर बैठा है अगर किसी ने पूछा, वो ये सब कैसे कर सकता है? उनके दस हाथ हैं, वो बहुत सी चीजें करते हैं तुम्हारे जैसे नहीं है कुछ भी ये बच्चों के लिए ठीक है लेकिन चूंकि आप नहीं जानते कि सृष्टि की रचना कैसे हुई आपने अपनी व्याख्या बना ली यू आर कमिंग अपने तो वो जो सृष्टि का स्रोत है जो मैं या कोई और कहता है उस पर विश्वास मत कीजिए सृष्टि की सिर्फ एक रचना पर गौर कीजिए बस एक फूल लीजिए इसे ध्यान से देखिए एक पत्ती या एक परमाणु या एक चीटी को ध्यान से देखिए आपको ऐसी अद्भुत बुद्धिमत्ता के दर्शन होंगे जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी yes. But no, लेकिन किसी ने आपको नहीं बताया कि ईश्वर बुद्धिमत्ता है लेकिन इस संस्कृति ने आपसे यह बात कई तरीके से कही है उन्होंने आपको चिदाकाश और चिदम्बर वगैरह के बारे में बताया आपको ये बताने के लिए कि अगर आप अपने चित्त को छू लेते हैं तो सारा अस्तित्व आपका हो जाता है जो कुछ भी जानने योग्य है वो यही है क्योंकि आपकी पहुंच सृष्टि के स्रोत तक है तो ये आपके मन के चार आयाम है दुर्भाग्य से आधुनिक शिक्षा पद्धति मानती है कि सिर्फ जानकारी ठूसने और बुद्धि को पहना रखने से ही सब कुछ हो जाएगा नहीं खुशहाली लाने के लिए आप इस धरती की चीर फाड़ करके रख देंगे आप इस ग्रह को ही खो सकते हैं या फिर आप किसी दूसरे ग्रह पर जा सकते हैं और वहां पर भी अपना काम शुरू कर सकते हैं लेकिन खुशहाली नहीं आएगी अगर खुशहाली होनी है तो आपको इसके भीतर थोड़ा ज्यादा गहरा खोदना होगा वरना कुछ नहीं होगा